18 जून की रात्रि में करीब 1 बजे एक परिवार के 5 लोगों के आग से झुलसने की सूचना पुलिस को मिली थी। एसपी अजय कुमार सभी को इलाज हेतु भिजवाया गया था। एसपी परिजनों द्वारा एक पड़ोसी युवक के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई, जिस पर विवेचना में आरोप सही पाते हुए ठोस सबूतों के साथ उस युवक को जेल भेज दिया गया। मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा DD भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसका पुलिस द्वारा अवलोकन किया जाना है। इसी घटना से संबंधित एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ, जिसका संज्ञान लिया गया है। सभी साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष व कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नाम बताओ। नहीं, किसने जलाया तुम्हें? मुरारी को रसा। मुरारी ने? और और संजय ने? संजय ने? एक भरोसा है, संजय और मुरारी। इन्हें जलाया? हाँ। अच्छा, इन दोनों का नाम ले रही है ये लड़की, जो मरीज है, पेशेंट पड़ी हुई है। संजय नाम, संजय टाइसन और मुरारी, इन दोनों को इस बच्ची ने देखा था और इन्होंने दोनों ने ही आग लगाई है। इसके ये सारा परिवार बिल्कुल झुलसा पड़ा है, बचने के भी कोई चांस नहीं है। नम्रता का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या है मतलब? ये तारीख 18 जून को रात में करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि 5 लोग झुलस गए हैं। इस पर पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंच करके सभी झुलसे लोगों को इलाज के लिए भिजवाया गया था। उसके बाद सैफई में इलाज चल रहा था और अभी फिलहाल की जो स्टेटस है उसमें एक बच्चा समेत 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2 महिलाएं हैं जो इनका इलाज अभी जारी है। एक आरोपी का नाम, इसमें परिजनों ने जो शुरू में तहरीर दी थी उसमें एक मुरारी कश्यप नाम का एक युवक के खिलाफ किया था, जिसका पहले इनके घर में आना जाना था लेकिन बाद में किसी झगड़े के कारण मनमुटाव हो गया था। उसको पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया और उसके पूछताछ में आरोप सही पाए गए और ठोस सबूतों के साथ उसको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद इलाज चल ही रहा था तभी अभी हमें एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें उस जो झुलसी हुई महिला है उसके द्वारा एक और अन्य महिला के द्वारा एक वीडियो बयान उसका लिया जा रहा है। उस वीडियो की जांच कराई जा रही है और यह भी बताना है कि चूँकि सभी घायलों का डाइंग डिक्लेरेशन DD मजिस्ट्रेट के द्वारा पहले ही हो चुका है, जिसका अवलोकन अभी पुलिस को किया जाना है। उस डाइंग डिक्लेरेशन के अवलोकन और इस वीडियो के जांच और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही निष्पक्ष होगी, कठोरतम कार्यवाही होगी, जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इनमें कुछ लोग अफवाह भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि यह कानूनन जुर्म है। जो विवेचना चल रही है, जो ठोस साक्ष्य हैं, पुलिस उस आधार पर कार्यवाही कर रही है। भ्रम फैलाने वालों के लिए अलग से उन पर कार्यवाही का प्राविधान है और आवश्यकता पड़ी तो उन पर भी पुलिस कार्यवाही करने से चूकेगी नहीं।